नमस्कार, आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सन 2018 का यूपी टेट का पेपर सॉल्व करेंगे, तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बाकी सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकेंगे। लाइक तो करेंगे करेंगे, क्योंकि लाइक करने से क्या है, मैंने पहले बताया था, हमारा मन उड़ता और कुछ नहीं होता, नोट करो ये बात, सही है। देखो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाँ तुम्हारे पास जो प्रैक्टिस पेपर होगा या किताब होगी या पेपर होगा, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। देखें ये कह रहे हैं, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, तब वाई माइनस एक्स का मान ज्ञात करें, सही है। अब ये कह रहे हैं ए बी और सी डी क्या है बेटा, समांतर है, यानी ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा आपस में कैसी हैं, समांतर है, सही, दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर। अब देखो हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं सबसे पहली बात, ठीक। तो हमने एक्स का मान निकाला, हमने क्या देखा, ये कोण क्या है हमारा 120, तो एक ही रेखा बनी सभी कोण कैसे होते हैं, 180 अंश के होते हैं, सही, एक ही रेखा बनी सभी कोण कैसे होते हैं, 180 अंश। अगर ये 120 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60 होगा। अगर ये वाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारा कितना है, 10, तो ये कितना होगा, 70 होगा। अब अगली कंडीशन समझो, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो जब उन्हें कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं, कैसे कोण बनते हैं, एकांतर, एकांतर कोण जब बनते हैं, जब इस टाइप से जेड बनती है, सही है बेटा, ये जेड बनती है तो एकांतर कोण बनते हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, अगर ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखो आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 60, और y बराबर क्या हो जाएगा, 70, सही, x बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, 70। अब क्या पूछा गया तुमसे, y माइनस का x पूछा गया, y माइनस x पूछा गया, तो y कितना है, 70, और x कितना है, 60, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 डिग्री, सही, क्या होगा आंसर, 10 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक ही रेखा बने सभी कोण कैसे होते हैं, 180 अंश, अगर ये 120 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60, और अगर ये 110 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 70। अब एकांतर कोण लगा दो, इस टाइप से हमने एकांतर कोण लगाया, ये जेड बन गई, अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60, और एक ये जेड बन गई उल्टी, अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70, तो वाई बराबर 70 और एक्स बराबर 60, और हमसे क्या पूछा है, वाई माइनस एक्स का मान पूछा, तो वाई माइनस एक्स, 70 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सही, क्या हो जाएगा, 10। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर जल्दी से लिख नहीं पाते तो। कोशिश करेंगे अच्छे समझ में लोगों के आ जाए सारे क्वेश्चन, और जिसके समझ में नहीं आता वो जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती हैं तो क्लास में आके जो क्वेश्चन कम समझ में आया हो वो हमसे पूछ लेंगे, और जब तक एक दो दिन की छुट्टी है तब तक डेली ऑनलाइन क्लास लेंगे, सही है, डेली क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, सही है बेटा। देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ये कह रहा है यदि, सारे के सारे सिंपल से क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु, दुकानदार को एक वस्तु को रुपए 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी क्रय मूल्य ज्ञात करें, सही, वस्तु का क्या पूछा बेटा, क्रय मूल्य पूछा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारा,
सीपी बराबर एसपी यानी कि विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ हुआ तो जोड़ेंगे, हानि होती तो घटा देते, तो आ जाएगा तुम्हारा 390 गुणा 100 बटे 120। 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 20 से 6 बार कैंसिल, 6 से इसे काट दो, देखो 6 छिंग 36 बचा 3, 6 पंजे 30 बराबर 5 पंजे 25 के 5 हासिल दो, 5 छक्के 30, 30 और 2 32। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा 325 रुपये हो जाएगा। आया समझ में? हाँ भाई देखो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। देखो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगी तो घटा देंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला आएंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखें अगर लिख नहीं पाते तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बस समझ में आ जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर, यदि किसी नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? अब देखो सिंपल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें ये कह रहे हैं पहले जो नगर की जनसंख्या थी कितनी थी बेटा, 60,000 थी, अब नगर की जनसंख्या कितनी हो गई है 65,000। तो पहले ये देखेंगे बढ़ कितनी गई है, तो 65,000 थी और बढ़ के हो गई है 60,000, तो कितने की वृद्धि आ गई, 5,000 की वृद्धि आ गई। सही है, ऐसा ही है, गलत है, 60,000 थी और बढ़ के कितनी हो गई है 65,000। सही, पहले कितनी थी बेटा 60,000 और अब बढ़ के कितनी हो गई है 65,000, तो कितने हजार की वृद्धि हो गई है, 5,000 की वृद्धि हुई। कितने हजार की वृद्धि हुई, 5,000 की, और हमसे वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 5,000 की वृद्धि हुई है और कितने पे हुई है 60,000 पे, ठीक, इनटू का 100। प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर दिया, 100 का गुणा कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होगा बेटा 25 बार और 2 से ये कैंसिल होगा 3 बार, हमारा आ गया 25/3%। अगर ऑप्शन में 25/3% लिखा तो आंसर 25/3 हो जाएगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें भाग देंगे 3×8=24, 8 सही 1/3%। अब जो जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो समझ नहीं पा रहे होंगे ये कैसे हुआ है, तो समझ लो और समझ भी गए तो भी अच्छी बात है। देखो हम क्या करते हैं, जैसे 25/3 लिखा है तो 25 में 3 का भाग देंगे, 3×8=24, कितना बचा 1, शेष 1 बचा, तो शेष कहाँ आता है ऊपर, भागफल कहाँ आता है ये साइड से, और जो नीचे था बटे में वो बटे में रहेगा, तो क्या हो जाएगा 8 सही 1/3। दोबारा करोगे 8×8, 8×3=24 और 1×25, सही क्या हो जाएगा 8×3=24 और 1×25, सही है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिवाली आप सब लोगों ने मना ली होगी,
ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें क्योंकि पेपर नज़दीक है। अगली दिवाली और अच्छे से मनाना, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिवाली थोड़ा कम सेलिब्रेशन, अगली दिवाली और ज़्यादा सेलिब्रेशन। 3 दिन मनाना, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें फटाफट। ये कह रहे हैं 40 व्यक्ति 30 दिनों तक, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, सही है। अब देखो ये क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका है? टाइम एंड वर्क का। चावल खा रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं तो एक काम ही तो कर रहे हैं। खाना भी क्या होती है, क्रिया ही तो होती है, तो एक काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन किसका हो जाएगा, टाइम एंड वर्क का हो जाएगा। सही, किसका हो जाएगा बेटा, टाइम एंड वर्क का। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, m1 × d1 × t1 / w1 बराबर mt × d2 × t2 / w2। अब देखो m का मतलब मजदूर, d का मतलब कार्य और t का मतलब समय। m का मजदूर मजदूर, d का मतलब दिन और t का मतलब समय, w का मतलब कार्य। तो देखो जो चीज़ दी होगी वो लगा देंगे, जो नहीं दिया होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले कितने मजदूर का मतलब व्यक्ति होते हैं, पहले 40 व्यक्ति दिए हैं, फिर 30 दिन दिए हैं और 200 किलोग्राम चावल, 200 क्या हो गया काम, समय दिया नहीं घंटे, तो घंटे से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या दिया है, 30 व्यक्ति दिए हैं और दिन हमसे पूछे गए हैं, यानी डे हमसे पूछे गए हैं, और चावल कितने दिए बेटा 500 ग्राम। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 बार कैंसिल, सही, 5 के 30 और 6 से ये 5 बार कैंसिल और 2 से ये 20 बार कैंसिल, 2 × 2 = 4। तो क्या आ गया हमारा, डी बराबर 20 × 5 बराबर का 100 दिन। कितने दिन में खाएंगे, 100 दिन में खाएंगे, सही, कितने दिन में खाएंगे, 100 दिन में, सही। आया समझ में, हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है m1 × d1 × t1 / w1। मजदूर दिन समय, आदमी दिन समय, व्यक्ति दिन समय बटे काम, सही है, आदमी दिन समय बटे कार्य, सही है, नोट करें, सही है, नोट करने टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया करना, फिर बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब भाई प्रीवियस ईयर है तो आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे तो कहने ही पड़ेंगे क्योंकि आ चुके हैं पेपर में, और इसी टाइप के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग से नहीं आते, समझे बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो क्या था 4, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, भुजा ज्ञात करें, से भुजा ज्ञात करें। अब देखो डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा, ये कह रहे हैं एक कोई समचतुर्भुज है,
ये मैंने समचतुर्भुज बना दिया। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, सही है। समचतुर्भुज मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, एक समान। भाई मैंने एक समान नहीं बना पाई होंगी क्योंकि मेरे पास तो स्केल नहीं है, बट इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान। ये समझ लो ए बी सी और डी, ये कह रहे हैं इसके दो विकर्ण हैं। तो मैंने जब मेंसुरेशन पढ़ाई होगी तो समझाया होगा समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये एक 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 8, सही है। पूरा 16 है तो ये 8 ही 8। अब ये पूरा कितना है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये भुजा ज्ञात करनी है हमें, ये ए, इसे हमने ए मान लिया। अब देखो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 कोण पे काटते हैं। किस पे काटते हैं? सम कोण पे, सही है। किस पे काटते हैं? सम कोण पे। अब ये सम कोण पे काटते हैं तो क्या हो गया, सीधा सीधा ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 64 प्लस 6 36। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 100। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। सही बेटा, कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। आया समझ में? दोबारा समझ लो। देखो समचतुर्भुज के सीधे सीधे क्या है, दोनों विकर्ण हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित हैं, यानी कि बराबर दूरी पर काटते हैं, सही है। अब बराबर दूरी पर काटते हैं तो देखो ये 6 तो ये 6, ये 8 तो ये 8, और समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत यानी कि 90 के एंगल पर काटते हैं। ये 90 पर काटते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज हो गया तो क्या हो जाएगा, वर्ग किसका, कर्ण का, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। जिससे क्या है, हम एक ही वैल्यू निकाल देंगे तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो चतुर्भुज की भुजा क्या हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। अब देखो इसे अगर हम थोड़ा चेंज करते हैं, सही है, जैसे कि दूसरा सॉल्यूशन देख लें इसका, सीधा सीधा हमें ये कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 अंडर रूट, सही है, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 1/2 256 प्लस 144, 16 का वर्ग 256 होता है और 12 का होता है 144। तो ये आ जाएगा तुम्हारा बेटा 1/2 अंडर रूट 400। 400 का कितना बाहर आ जाएगा, 20, 2 से ये 10 बार कैंसिल। तो भुजा क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये सीधा सीधा समचतुर्भुज के भुजा का फॉर्मूला होता है, सही। वो तरीका समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए चित्र में PAQ वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण CAQ = 70 अंश
यदि कोण सी ए क्यू बराबर 70 अंश तो कोण ए बी सी सही है। देखें डायग्राम बना दो फिर सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से। सही है करें देखें फिर मैं करता हूँ। देखें ये कह रहे हैं दिए चित्र में ये व्रत है, व्रत के अंदर जब कोई ऐसा चतुर्भुज बना हो जिसके चारों शीर्ष, देखो इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष ए बी सी डी चारों शीर्ष व्रत की परिधि को स्पर्श करते हैं तो वो क्या कहलाता है चक्री चतुर्भुज कहलाता है। और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं सही। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोण कैसे होते हैं बराबर, कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण डी बराबर होगा कोण बी के सही बेटा। अब देखो इसमें हमें क्या बताना है कोण ए बी सी बताना है, कोण ए बी सी ए बी सी ये वाला कोण बताना है तो कोई दिक्कत नहीं बता देंगे फटाफट। हमारा क्या आता देखो हमने क्या किया ये केंद्र केंद्र से लेके परिधि तक ये हमने रेखा खींची और एक ये रेखा खींची तो केंद्र से लेके परिधि तक खींची गई रेखा क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी सही। केंद्र से परिधि तक खींची गई त्रिज्या क्या जीवा वो रेखा क्या कहलाएगी त्रिज्या। तो ये हमने क्या है त्रिज्या खींच दी एक ये त्रिज्या खींच दी और एक ये त्रिज्या खींच दी। अब देखो इससे होगा क्या जब किसी व्रत की एक त्रिज्या और एक स्पर्श रेखा व्रत की परिधि पर मिलते हैं सही, जब किसी व्रत की एक त्रिज्या और एक स्पर्श रेखा व्रत की परिधि में मिलते हैं तो परिधि पर क्या है 90 अंश का कोण बनाते हैं। कितने अंश का कोण बनाते हैं 90 का। ये जो हमारा एंगल होगा ये कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा पूरा। और ये पूरा कितने का दिया है देखो ए सॉरी क्या हाँ ये रहा सी ए क्यू ये पूरा सी ए जो क्यू है ये हमें 70 अंश का दिया। कितने अंश का दिया 70 का। अब देखो ये 70 का है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक का 90 का तो ये बचा हुआ कितने का हो जाएगा 70 में से सॉरी 90 में 70 घटाओ तो बचा हुआ कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा सही। ये वाला कोण जो है ये कितने का हो जाएगा हमारा 20 का हो जाएगा। ये कोण 20 का है तो आमने सामने देख ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या सही है। अगर ये कोण 20 का तो ये भी कोण कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा सही। ये भी कितने का हो जाएगा 20 का। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं ये 20 ये 20 तो ये बचा हुआ कितने का हो जाएगा 140 का हो जाएगा सही। कितने का हो जाएगा बेटा 140 का। ये 140 का है तो देखो ये ऐसे केंद्र में बना कोण परिधि का कैसा होता है दोगुना ये दोगुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आमने सामने कोण 180 अंश ये 70 तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा सही। कितना हो जाएगा 110। कम समझ में आया होगा कोई नहीं देखो दोबारा समझा देते हैं बस समझ में आना चाहिए अच्छे से। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं भाई जब डायग्राम में ही समझा रहे हैं तो सीधा सीधा थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। देखें सही बेटा अच्छे से देखें दोबारा समझा रहे हैं और अच्छे से। देखो इस पास रेखा दिखाई दे जाएगी दे रही है सही है पी ए क्यू ये हमारा ए पॉइंट है ओके बेटा ए से पी ए क्यू। अब देखो
देखें, देखो बेटा हमें ये वाला कौन बताना और ये वाला कौन हमें दिया है, कौन सा ये रेखा खींच दो, ये वाला कौन दिया, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये कौन दिया हमारा 70 अंश का, कितने अंश का दिया 70 अंश का। मैंने क्या किया, ये दो त्रिज्या खींच दी, क्यों खींची अभी बताऊंगा, एक ये त्रिज्या खींच दी और एक ये त्रिज्या खींच दी, सही है। जब किसी वृत्त की त्रिज्या और जीवा सॉरी स्पर्श रेखा, जो वृत्त की परिधि को जाके छू के जाती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है, जब किसी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि में मिलते हैं तो 90 एंगल का कोण बनाते हैं, किसका बनाते हैं 90 एंगल का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा 90 हो जाएगा। अब देखो ये 70 है ये 90 है, तो 90 में 70 गए तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सही है। जिसकी ज्योमेट्री हुई नहीं उसे थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे ज्योमेट्री करवा दूंगा ऑफलाइन क्लास में वैसे अच्छे समझ में आएगा। ये 20 है तो किसी भी त्रिभुज के अगर त्रिभुज समद्विबाहु हुए तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण कैसे होते, समान, ये भुजा और ये भुजा दोनों त्रिज्याएं दोनों समान है, तो इसके सामने ये 20 तो इसके सामने ये 20, ये दोनों 20-20 हो गए। अब देखो ये वाला देखो ओ सी ए, ये एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, ये 20 है और ये 20 है, तो 20 और 20 40, 180 में से 40 गए तो कितना बचेगा 140। अब देखो ये वाला वृत्तखंड देखो, ये बना या नहीं बना, ये कोण कहाँ हो गया परिधि पे और ये कहाँ हो गया केंद्र पे, परिधि पे बना कोण केंद्र का आधा होता, अगर केंद्र पे 140 है तो परिधि भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा 70, तो ये क्या हो जाएगा 70। और अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश होता, कितना होता है 180 अंश, अगर ये 70 है तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110। तो हमसे कौन सा कोण पूछा गया, कोण ए बी सी, सही है ए बी सी, तो कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 110 अंश, सही बेटा क्या हो जाएगा 110 अंश। ले लेंगे स्क्रीनशॉट फटाफट, जो लिख पा रहे हैं वो लिख लें, पट पहले समझा करें फिर लिखा करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सात, और हमें साथ साथ मेहनत करेंगे अच्छे से, पास होंगे अच्छे नंबरों से। देखें यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, हाँ भाई बताओ फटाफट आंसर क्या होगा, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, गलत या सही सब लोग आंसर बताएं, और सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग तो वीडियो लाइक करें फटाफट और शेयर करें, सही बेटा। देखें ये कह रहे हैं 6 पेन का सीपी, सॉरी यदि 8 पेन का सीपी, तो हमने लिख दिया 8 × CP बराबर है 6 पेन के SP के, यानी 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 6 × SP, सही है, 8 पेन का विक्रय मूल्य और 6 पेन का सॉरी 8 पेन का क्रय मूल्य और 6 पेन का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हमने ये रख दिए। अब इनके रेशियो बना देंगे, 2 × 8 और 2 × 3 = 6, CP बटे गुणा में होते हैं तो भाग में आते हैं और जोड़ में होते हैं तो घटाव में जाते हैं, भाग में होंगे तो गुणा में जाएंगे और घटाव में होंगे तो जोड़ में जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, तो CP/SP, ये 3 × 3 रहेगा और ये 4 इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, जो जिसके सामने होता है उसकी वैल्यू कहलाता है, यानी CP हमारा हो जाएगा 3 रुपये और SP क्या हो जाएगा 4 रुपये। अब देखो विक्रय मूल्य क्या है 4 रुपये और क्रय मूल्य क्या है 3 रुपये, विक्रय मूल्य 4 रुपये क्रय मूल्य 3 रुपये, तो क्या हुआ होगा
लाभ हुआ होगा, क्या हुआ होगा लाभ, तो लाभ बराबर कितने का हो गया, 4 - 3 = 1। अब हमसे क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत पूछा गया, क्या पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 3 × 100। सही है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ भाई सॉल्व करेंगे यहाँ लिख दो तो क्या आ जाएगा 100/3 = 33 सही 1/3%। सही कितना लाभ होगा 33 सही 1/3%। स्क्रीन शॉट लें फटाफट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगला करते हैं, हटा दे देखो, क्वेश्चन नंबर 8। यदि तीन पेन कॉमा दो पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए है तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपए है, तब चौबीस पेन का मूल्य है। देखें ये कह रहे हैं कि यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़, देखो 3 पेन + 2 पेंसिल + 4 रबड़ का जो मूल्य है 92 है, से कितना 92, और 8 पेंसिल + 16 रबड़ का मूल्य है 68। देखो यहाँ 2 पेंसिल और 4 रबड़ है, अगर यहाँ मैं 2 पेंसिल और 4 रबड़ कर दूँ तो उसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, सही है। तो यहाँ 2 पेंसिल करने के लिए मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 पेंसिल, और यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा क्या बचेगा 4 रबड़, बराबर हो जाएगा 68। 4 × 4 = 4 × 7 = 28। तो देखो बेटा 2 पेंसिल + 4 रबड़ बराबर आ गया हमारा 17, सही है, 4 रबड़ बराबर कितना आ गया 17 आ गया। अब देखो 2 पेंसिल और 4 रबड़ की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या हो जाएगा 3 पेन + इसकी वैल्यू कितनी है 17 रुपये, तो +17 = 92, ठीक। ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 3 पेन बराबर हो जाएगा 12 में से 7 गए 5, ठीक, और 8 में से 1 गया 7, 25। तो 1 पेन का जो मूल्य हो जाएगा 25 रुपये हो जाएगा, सही, 1 पेन कितने का हो जाएगा 25 रुपये का। अब 1 पेन 25 रुपये का है तो हमसे कितने पेन का मूल्य पूछा है 24 पेन का, कितने का पूछा है 24 का, तो 24 × 25 = 600 रुपये, सही कितने के होंगे 600 रुपये के हो जाएंगे, कितने के हो जाएंगे
600 रुपये के। आया समझ में? हमने क्या देखा, हमने देखा 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल 92 रुपये है और 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ का मूल 68 रुपये है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख सकते हैं 2 पेन और 4 रबड़ की, तो हमें 1 पेन की वैल्यू मिल सकती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया, 2 पेंसिल और 16 4 रबड़, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य आ गया 70 रुपये, जो हमने कहाँ रख दिया, इस वाले समीकरण। तो हमें क्या मिला, 3 पेन का मूल्य मिला 75 रुपये, तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 25, और हमसे कितने पेन का मूल्य पूछा 24 का, तो 25 × 24 बराबर का 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते है यदि हमें दिया गया है। देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं, अभी क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले ऑप्शन लिखता हूँ। 2 कोण और 1 भुजा बी केवल 3 भुजाएं केवल 3 कोण 2 भुजा और उनके मध्य कोण, सही है? अब देखो, ये कह रहे हैं कोई भी त्रिभुज अगर हम बना सकते हैं तो हमें क्या दिया हो तो बना सकते हैं, क्या नहीं दिया हो तो नहीं बना सकते। अगर हमें 2 कोण और 1 भुजा दिए तो हम बना सकते हैं, केवल 3 भुजा दिए तो भी बना सकते हैं, 2 भुजा और उनके बीच का कोण दिया तो बना सकते हैं। एक सिंपल सा नोट पॉइंट याद कर लेना, किसी भी त्रिभुज को लिख लेना चाहे तो, किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए कम से कम 1 भुजा की आवश्यकता होती है। जब तक कम से कम 1 भुजा पता नहीं होगी तब तक हम त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, यानी बिना त्रिभुजाओं के देने से त्रिभुज बना नहीं सकते, यानी किसी भी त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 1 भुजा देना आवश्यक है। और ये कह रहे हैं केवल 3 कोणों से, तो ऐसा नहीं है केवल 3 कोणों से त्रिभुज नहीं बना सकते, कम से कम 1 भुजा तो चाहिए। अगर त्रिभुज बनाना है तो कम से कम 3 भुजा चाहिए बेटा, 1 भुजा चाहिए, सही है? ये नोट पॉइंट सिंपल सा लिख लेना, अगर त्रिभुज बनाना है तो कम से कम 1 भुजा चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखें, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 50% एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए
तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। सही तो क्या, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये पूछते हैं उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बट इन्होंने पूछा उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। सही है, तो दोनों बता देते हैं कितने गुने की, कितने परसेंट की वृद्धि होगी और कितना गुना हो जाएगा। देखो हमने मान लिया पहले से क्षेत्रफल है वो 100 है, से पहले क्षेत्रफल कितना 100। अब लंबाई में 50% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा बेटा 150/100, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 120/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 12×5=60 का 0 हासिल, 6 12 कन 12 और 6 18 180 से पहले कितना था 100 था, से कितना माना था हमने 100, अब कितना हो गया 180 हो गया, 100 था 180 हो गया तो कितने गुना हो गया, तो गुना के लिए भाग देते हैं, तो 100/100 0 से 0 कट गया, 2×18 और 2×5=10, 9/5 गुना हो गया, कितना गुना हो गया 9/5 गुना, से कितने गुना हो जाएगा 9/5 गुना, सीधा सीधा हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 100 था बढ़ के कितना हो गया 180 हो गया, पहले 100 था बढ़ के कितना हो गया 180, 100 था बढ़ के 180 हो गया, तो कितने गुने की वृद्धि हो गई, तो देखो 180/100 = 9/5 गुने की वृद्धि होगी, कितने की होगी 9/5 गुने की। अगर यही पूछा जाता कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, सही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये तो कह रहे हैं सीधा सीधा कितने गुना हो जाएगा, वृद्धि नहीं पूछी कितने गुना हो जाएगा। अगर यही दूसरा क्वेश्चन पूछा होता कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती, तो देखो पहले हमने मान लिया हमारा क्षेत्रफल 100 था, कितने की वृद्धि हुई है 50 की, तो 150/100 120/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 180, 100 था बढ़ के 180 हो गया, कितनी वृद्धि हो गई 80% की वृद्धि हो गई। सही है, अब देखो मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए होंगे ऐसे परसेंटेज में, किसी व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि की जाए फिर 20% की वृद्धि की जाए तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाए फिर 20 की वृद्धि की जाए कितनी वृद्धि हो जाती है, 10 की कमी की जाए 20 की वृद्धि की जाए तो कितनी कमी या वृद्धि हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ क्या दे दिया है आयत दे दिया है, सही है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन यानी कि 10। देखें यदि एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस नौ का स्क्वायर बराबर 285 हो तो 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर प्लस .. 0.99 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। सही है, तो देखो करते हैं फटाफट, देखें हमें इस सीरीज का मान दिया है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर .. 9 का स्क्वायर, कितना 285। तो हम इस सीरीज को कैसे भी इस सीरीज में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। सही है, हम क्या करेंगे इस सीरीज को कैसे भी क्या करेंगे इस सीरीज में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। तो देखो मैं सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, थोड़ा कठिन भी है लेकिन एक लाइन ज़्यादा हो जाएगी लेकिन तरीका सरल लगेगा, वो बताते हैं। देखो कैसे, मैंने इसे ऐसे लिख दिया 11/100 का स्क्वायर प्लस इसे लिख दिया 22/100 का स्क्वायर प्लस .. इसे लिख दिया 99/100 का स्क्वायर। सही है,
अब देखो मैंने क्या किया, इस सीरीज में से 11 बटे 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, सही है, 11 बटे 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्व होके 121 बटे 10,000। सी क्या हो जाएगा, 121 बटे 10,000 इनटू का इसका मान कितना दिया है 285, 285। तो ये अगली लाइन में आ जाएगा सीधा सीधा 121 इंटू 285 अपॉन 10,000, सही है, एक के पीछे चार जीरो हो जाएंगे, दो और दो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 34485। अब देखो अपॉन 10,000, सही है। अब 10,000 लिखा तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 34485। और कितने अंक हैं, 1 2 3 4, चार जीरो हो तो चार अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, सही है। बटे में अगर एक लगा हो और उसके पीछे जीरो हो तो ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे, जितने जीरो होते हैं उतने अंकों बाद पॉइंट लगा देते हैं, वही उसका भागफल होता है। तो यहाँ चार अंक थे तो हमने क्या किया, चार जीरो के चार पॉइंट के बाद जीरो लगा दिया। आया समझ में, देखो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इसे इस वाली सीरीज को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कैसे हो जाएगी, क्योंकि इसका मान हमें दे रखा है, तो हमने इसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 11 था तो 11 बटे 100 कर दिया, 22 बटे 100 कर दिया, पॉइंट हटाया 20, पॉइंट हटाया 20, डॉट डॉट डॉट। अब मैंने क्या किया, 11 बटे 100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा होगा, 1 का स्क्वायर बचा होगा, तो देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी, 285, तो मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी 285। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो क्या आ गया, 34485, और बट्टी में 10,000 है तो कितने अंक, 1 2 3 4, चार अंक बाद पॉइंट लगा दिया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 था क्या 11 था, अभी देख के बताता हूँ। देखें अगला, ये था 11, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सही है, देखें क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 12 क्वेश्चन नंबर, ये 11 था इससे पहले वाला। ये कह रहे हैं एक धनराशि साधारण ब्याज पर, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी होगी, सही है। कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। जब भी क्वेश्चन में 2 बार गुना दिया हो, 2 गुनी और 3 गुनी, यानी गुना कितनी बार दिया हो, 2 बार, 2 गुनी और 3 गुनी, तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, पहले वाला गुना, गुने को एन से लिख देंगे, पहले वाला गुना माइनस का 1 अपॉन पहले वाला समय बराबर दूसरा वाला गुना माइनस 1 अपॉन दूसरा वाला समय, से पहले वाला गुना माइनस 1 अपॉन पहला वाला समय, दूसरे वाला गुना माइनस 1 अपॉन दूसरा वाला गुना, तो पहला गुना कितना 2, तो 2 माइनस 1 बटे 10 बराबर, दूसरा गुना कितना 3 3 माइनस 1 बटे t, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन, 2 में से 1 गया 1 बटे 10 बराबर, 3 में से 2 गए 2 बटे t, टी का इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा बेटा 20 वर्ष आ जाएगा, सही, क्या होगा हमारा आंसर सीधा सीधा 20 वर्ष, सही क्या हो जाएगा आंसर 20 वर्ष, सही। जब भी 2 गुने दिए होंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, n1 माइनस का 1 अपॉन t1 बराबर n2 माइनस का 1 अपॉन t2, पहला वाला गुना माइनस पहला वाला समय और दूसरा वाला गुना और दूसरा वाला समय, सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पहले नंबर डाल लेते हैं, फिर नंबर डालना भूल जाते हैं। जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। देखें हाँ भाई, आप सब लोगों ने सारे पटाखे कल ही चला दिए कि आज के लिए भी रखेंगे एक आध पटाखे? आज के लिए भी रख लेते, कल ही चला दोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखें ये कह रहे हैं 80 मीटर व्यास डायमीटर, 80 मीटर व्यास वाले, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्र का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर एक एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्गाकार पार्क वर्गाकार खेल का मैदान प्लेग्राउंड बना है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताना। से क्या बताना बेटा? मैदान का क्षेत्रफल। अब देखो ये क्या हो गया, वृत्ताकार पार्क हो गया। इस पार्क के अंदर एक बड़े से बड़ा बना, बड़े से बड़ा बना, तो इसके चारों कोने क्या है, वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे होंगे, इससे बड़ा नहीं बन सकता। ये वर्ग है तो इसकी चार भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब देखो अगर मैं ये वृत्त का व्यास खींचूं, सही है, वृत्त का जो व्यास है, जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग का विकर्ण है या नहीं? सही है, जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। सही है, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। तो वृत्त का व्यास कितना है, 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर। 80 मीटर क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण। सही, वर्ग का विकर्ण आ गया। लेकिन वर्ग का हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग की भुजा चाहिए भाई। जैसे भुजा पता होगी वैसे हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो वर्ग के विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है भुजा के संबंध में। सही, हमने इसकी भुजा ए मान ली, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा के संबंध में ए रूड टू। ये क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया, ए रूड टू। तो ए रूट टू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। सही, ए रूट टू बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा हमारा। अब ए रूट टू बराबर 80 है, तो मैंने क्या किया, इसको इस दो से इस 80 को कैंसिल किया। जैसे इस दो से इस 80 को कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 40 रूड टू आ जाएगा। से क्या आ जाएगा, 40 रूड टू। तो वर्ग की जो भुजा है ए बराबर क्या हो जाएगा, 40 रूड टू मीटर हो जाएगी। से वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, 40 रूट टू मीटर। और पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि 40 रूट टू इंटू 40 रूड टू इंटू 40 रूड टू। तो 40 का 40 से गुणा करूंगा कितना जाएगा, 1600 इंटू 2 बराबर का 3200 मीटर स्क्वायर। से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा ऊपर लिख दूं, यहां तक दे रहा, सही है। इसके बाद ये देख लो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, दिखाई दे जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 40 1600 गुणा 2 इंटू 2 बराबर का 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 3200। से कितना हो जाएगा, 3200 मीटर स्क्वायर। से क्या हो जाएगा, 3200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। से कितना हो जाएगा, 3200 मीटर स्क्वायर। दोबारा देख लो, ये कह रहे हैं वृत्त का व्यास, ठीक,
ये कोई व्रत है जिसका हमें व्यास दिया ये 80 मीटर, तो व्रत का व्यास हमें क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग का बिगड़ दिखाई दे रहा है, सही, व्रत का व्यास वर्ग का बिगड़ दिखाई दे रहा है, तो वर्ग का बिगड़ हो जाएगा 80 मीटर, तो ए रूट टू बराबर 40 रूट टू, क्योंकि देखो क्या होता है, समझ लो अच्छे से, ये रूट टू है, ठीक, रूट टू का मतलब ये 80 है, सही है, अगर मैं ऐसे लिखूँ 80 को, चलो ये चीज़ अभी समझाता हूँ, ये समझ में आ गया, अब ये चीज़ समझ लो, ये कैसे किया था मैंने, जिन्हें आती अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आती वो समझो, एक दो बराबर होता है रूट टू इंटू रूट टू, सही है, तो 80 था, 80 को अगर मैंने लिख दिया 40 गुणा 2, सही है, और इस दो की जगह क्या लिख दूंगा, 40 गुणा रूट टू इंटू रूट टू, सही है, तो एक बार रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, सही, क्या हो जाएगा, एक बार के रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, यानी 80 था ये 80, मैंने 80 को लिखा 40 गुणा रूट टू इंटू रूट टू, अब देखो ये लिखा है तो यहाँ यही तो भाग देना था ए रूट टू का, एक बार इस रूट टू से एक बार का ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 40 रूट टू, ये क्या हो जाएगी हमारी वर्ग की भुजा हो जाएगी, और वर्ग का हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखें अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक, समझना अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहे हैं 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए, 52 अंक प्राप्त किया, पाई आलेख में इसका संगत कोण है। अब देखो समझो, ये कह रहे हैं पाई आरेख में इसका संगत कोण है, ठीक, देखो करते हैं पाई आरेख में इसका संगत कोण, पाई आलेख का मतलब क्या होता है, पाई आलेख का मतलब होता है एक व्रत होता है, ये पाई चार्ट होता है, क्या होता है पाई चार्ट, इस पूरे का जो मान होता है 360 होता है, कितना होता है इसका डिग्री जो होता है वो 360 होता है। अब सपोज दैट हमने क्या देखा, विद्यार्थी ने इस पूरे डिग्री में से इतना कोण प्राप्त किया है, इतने अंक यानी इस डिग्री का अंक प्राप्त किए हैं, और ये कह रहे हैं ये जो पूरा परीक्षा है, ये जो पूरा परीक्षा कार्यक्रम है कितने का है 240 का है, इस 240 को इसमें करना है, इस 240 को इसमें करना है, तो एक नंबर की वैल्यू एक डिग्री से कम हो जाएगी, एक नंबर की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक डिग्री से कम, यानी कि 240 बराबर क्या हो जाएगा 360 अंक हो जाएगा, सही, 240 अंक बराबर क्या हो जाएगा, 240 अंक किसके बराबर उतारने हैं 360 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, तभी तो भाई पाई आरेख में 240 अंकों को रख सकते हैं, तो 240 जो अंक है वो किसके बराबर हो जाएंगे 360 अंश के बराबर हो जाएंगे, तभी हम पाई अंकों को पाई चार्ट के बराबर कर सकते हैं, तो 240 अंक बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 240 अंक बराबर 360 डिग्री है, तो एक अंक बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एक अंक बराबर आ जाएगा 360 / 240,
ठीक, एक अंक की हमने डिग्री निकाल दी और हमसे कितने अंकों की डिग्री पूछी है, 52 अंकों की डिग्री पूछी है, तो 52 अंकों की डिग्री पूछी है तो 52 का गुणा कर दें, तो 52 अंक बराबर हो जाएगा 360 बटे 240 गुणा का 52 से, 0 से 0 कैंसिल, 4 छिंग 6 से काट दो, 6 से 6 चौक 24 और 6 से 6 बार 6 छिंग 36 से 4 से काट दो, 4 एकन 4 और 4 तीया 12 सही है, 13 छिंग 78 कितने डिग्री हो जाएगा, 78 डिग्री हो जाएगा, सही कितने डिग्री हो जाएगा बेटा, 78 डिग्री सही है। देखो ये कह रहे हैं कि पाई चार्ट, दोबारा समझ लो पाई चार्ट क्या होता है, एक बारी और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, दोबारा बता देते हैं, एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए अच्छे से। देखो पाई चार्ट का मतलब होता है, पाई आलेख का मतलब होता है वैल्यू को 360 में ले जाना, किसमें कन्वर्ट करना, 360 में, क्योंकि एक जो पाई चार्ट होता है उसका टोटल जो डिग्री होते हैं 360 होते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि इसमें से कई भाग किए गए, यानी ये टोटल 360 है, 360 में से कई भाग किए गए और इन 360 को क्या है 240 में परिवर्तित किया, कितने नंबर में 240, यानी इस पूरे पाई चार्ट का जो मान है वो टोटल 240 अंक हैं, कितने अंक हैं 240 अंक, एक विद्यार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए, यानी ये 52 अंक प्राप्त किए उसने, से कितने अंक प्राप्त किए 52 अंक, इन 52 अंकों को डिग्री में बताना, किसमें बताना है डिग्री में, उसने प्राप्त किया अंकों में और हमें बताना किसमें डिग्री में बताना, यानी इन 52 अंकों का डिग्री बताना, क्या बताना है इन 52 अंकों का डिग्री बताना, तो पहले हम क्या करेंगे एक अंक की डिग्री निकालेंगे, अब देखो 240 को 360 में ले जाएंगे सही है, तो एक अंक बराबर कुछ एक से ज़्यादा डिग्री आएगी, कितनी डिग्री आएगी वो देखते हैं, तो 240 अंक बराबर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, तो 240 अंक बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, तो एक अंक बराबर हो जाएगा हमारा 360 बटे 240, और हमें कितने अंकों की डिग्री बतानी है, हमें बतानी है 52 की, 52 अंकों की डिग्री बतानी है, 52 अंकों की डिग्री बतानी है, तो 52 अंक बराबर हो जाएगा बेटा हमारा 360 बटे 240 गुणा 52, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 4 बार और 6 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 13 बार, 13 छिंग 78 डिग्री, कितने डिग्री होगा बेटा 78 डिग्री हो जाएगा, कितने डिग्री हो जाएगा 78 डिग्री, आया समझ में, नोट करो ये बात, नंबर पूरे 30 के 30 छापने हैं, 30 से कम एक कम नंबर नहीं होगा किसी का सही है, 29 भी नहीं होंगे, अगर ऑफलाइन की छुट्टी तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन की छुट्टी है तो ऑफलाइन पढ़ेंगे, लेकिन पूरे पूरे 30 नंबर लाने, एक भी नंबर कम नहीं करना, सब लोग पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक, और डेली क्लास होगी ऑनलाइन, डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे सही है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं यदि यदि पी का पी प्रतिशत 36 है तो पी का मान ज्ञात करें, सही, पी का पी प्रतिशत 36 है तो पी का मान ज्ञात करें, अब देखो पी का पी प्रतिशत पी इंटू पी बटे 100 बराबर का 36 तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुणा 100 बराबर का 3600 तो पी बराबर अंडर रूट 3600 तो पी बराबर क्या आ जाएगा 60 से पी बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, पी का पी प्रतिशत क्या हो जाएगा 60 3600 तो पी का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखें आपकी स्क्रीन पर मैं लिखता हूं सही, देखें अब भाई मैं अमिताभ बच्चन की ये तो कह नहीं सकता, देखें आपकी स्क्रीन पर क्योंकि मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, यदि क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, 2352 बराबर 2x इंटू 3y इंटू 7z तब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है, सही, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। देखो
सन 2019 का पेपर किया था। आधा हो पाया, आधा करना है। मेरे पास आज क्वेश्चन नहीं थे, यानी मैं क्वेश्चन लेके आना भूल गया था। 18 के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने 18 का पेपर करा दिया। बचे हुए 19 के क्वेश्चन करा दूंगा, कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताना है, सही है। तो एक्स प्लस वाई जेड बताना, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या दी जाती है उसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं इनके हिसाब से, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से और 7 के हिसाब से हमें, और चाहे किसी का विभाग जा रहा हो नहीं देना, 2 के हिसाब से देना, 3 के हिसाब से देना और 7 के हिसाब से देना है। तो 2, 3, 5, 2 इसके गुणनखंड करनी है। तो पहले 2 के हिसाब से करेंगे, पहले 2 दिया है तो 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, सही। 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 7 14 बचा 1, 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से देंगे, 2 2 4, 2 9 18 और 2 2 4, सॉरी 2 4 8, 2 2 4 बचा 1, 2 9 18 और 2 4 8, फिर 2 से देंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, अब 3 का देंगे, 3 4 12 और 3 9 27, 7 7 49 और ये 7, सही है। अब देखो 1 2 3 4, तो 2 की घात क्या आ जाएगा बेटा, 4 आएगा, 3 की घात 1 आ जाएगा और 7 की घात 2 आ जाएगा। ये इसकी फैक्टर तो है, इसके बराबर यही तो है, तो इनके बराबर इसे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z, सही। 7 की पावर क्या आ गया, z आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक दिखाई दे रहा है, सही है। देखो दोबारा समझ लो, 2 की पावर 4, 3 की पावर सॉरी 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर x, 3 की पावर y और 7 की पावर z, दिखाई नहीं दे रहा 7 की पावर z, थोड़ा इधर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो देखें, यह आया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 बराबर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z। अब देखो आधार बराबर है, घातों की तुलना कर देंगे, सही। आधार बराबर तो क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, आधार बराबर तो घातों की तुलना करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो x बराबर 4, y बराबर 1 और z बराबर 2 क्या पूछा था, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 2 6 और 1 7, सही। x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा बेटा, 7। तो पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले दी गई संख्या के फैक्टर करेंगे, वो किसके हिसाब से करेंगे, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से और 4 के हिसाब से, तो 2 3 7 के हिसाब से किए, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2, एक्स वाई जेड के मान आ गए, x का मान 4, y का मान 1 और z का मान 2, तो योगफल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सही। कितना हो जाएगा, 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 16 के बाद 17, सही। 16 के बाद क्या आता है, 17 आता है, बहुत अच्छे से गिनती याद है तुम्हें, तो देखें क्वेश्चन नंबर 17। सौ के समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, भाजकों का मतलब होता है गुणनखंड समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, सही। भाजकों मतलब गुणनखंड यानी कि फैक्टर, सही। क्या है फैक्टर, सम पूछे, कैसे पूछे हैं सम, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने लिखा 100। सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे सम पूछे हो चाहे विषम चाहे टोटल कुछ भी पूछे, सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य फैक्टर करते हैं, तो 2 से इसे कैंसिल किया, 50 और कैंसिल हुआ,
फिर 2 से कैंसिल किया 25 बार कैंसिल हुआ, फिर 5 से कैंसिल किया 5 बार कैंसिल किया, फिर 5 से कैंसिल किया 1 बार हो गया। कितनी बार हो गया बेटा? 1 बार। तो ये आ जाएगा हमारा 2 की घात 2 और 5 की घात 2। क्या गया? 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब देखो, जब भी सम पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सम अंक होता है यानी ये 2, इसकी घात तो सीधी सीधी लिखेंगे 2 इंटू, बाकी सब में जैसा होना चाहिए वैसा ही करेंगे। क्या होना चाहिए? घात को 1 प्लस करके लिखते हैं, तो 2 प्लस 1, तो आएगा 2 गुणा 2 और 1 3 बराबर का 6। से कितने फैक्टर होंगे? 6। यानी कि अगर टोटल पूछे गए होते, क्या पूछे गए होते बेटा? टोटल फैक्टर पूछे गए होते। क्या पूछे गए होते? टोटल फैक्टर। तो देखो कैसे करते, क्या आया 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। ये कहता 100 के सभी गुणनखंड बताओ, सम विषम भाज्य भाज्य, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करते, घातों में 1 प्लस करते, तो यहां घात क्या है 2 की घात, तो क्या लिखते 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो यह आता तुम्हारा 3 गुणा 3 बराबर का 9 हो जाता। से कितना हो जाता? 9। लेकिन यहां पर क्या पूछा इन्होंने, सम भाजकों की संख्या पूछी। किसकी पूछी है? सम की। सम की पूछी है तो क्या हो जाएगा, सम की पूछी तो हो जाएगा ये सीधा सीधा आ जाएगा 2 की घात 2 वाला, ये वाला 2 है, ये वाला 2 नहीं है, ये वाला 2 है, 2 की घात 2 सीधा सीधा, 5 की घात 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6। कुल कितने फैक्टर हो जाएंगे? सम 6 हो जाएंगे। सम वैसे तो ज़्यादा होंगे लेकिन सम कितने होंगे? 6 होंगे, सम हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कौन सा करते हैं? 18। हाँ भाई, क्लास ओवर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में कर देंगे, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। अब देखो, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। सही क्या होता है बेटा? ए क्यूब। अभी कह रहे हैं कोई एक बड़ा घन है, सही क्या है? कोई एक बड़ा घन है इस टाइप से, इसमें से छोटे छोटे घन काटे जाएंगे, सही है। तो पूरे से कितने घन काटे जा सकते हैं? तो भाई जितना इसका आयतन होगा उतने ही तो घन काट सकते हैं, यानी जितना बड़े वाले का आयतन होगा उतना ही घन काट सकते हैं। अगर बड़ा वाला घन 200 किलोग्राम का है तो 200 किलोग्राम वस्तु बनेगी, अगर 200 लीटर का है तो 200 लीटर वाली वस्तु बन पाएगी। तो जितना बड़े घन का आयतन होगा उतना ही तो छोटे घन का आयतन होगा, तो दोनों घनों के आयतन कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सही है। तो क्या हो जाएगा? सभी, या हमने मान लिया कुल छोटे घन बराबर x, सही है। तो सभी छोटे घनों का आयतन, तो x इंटू छोटे घन की भुजा कितनी है? 3 का क्यूब बराबर बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 15, तो 15 का क्यूब। तो हो जाएगा x बराबर 15 क्यूब, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 और 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 पंजे 15 5, 3 पंजे 15 की 5, 3 पंजे 15 के 5, 5 पंजे 25, 25 थी 125। से छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 125 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई दो ऐसी आकृति जो एक दूसरे से मिलके बने तो उनके आयतन क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, सही। क्या हो जाते हैं? बराबर। और एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है सीधा सीधा फॉर्मूला? जब भी किसी बड़ी चीज़ से कोई छोटी छोटी चीज़ें काट के बनाई जाएँ, तब जैसे बड़े पत्थर से छोटी छोटी ईंटें बनाई जाएँ, बड़े बड़े डब्बे से छोटे छोटे डब्बे बनाए जाएँ, सही है। जब भी किसी बड़े से कोई छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं तो क्या होता है, सही है।
तो कुल छोटे घनों का आयतन बराबर, सही है, सॉरी कुल छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, सही। तो बड़े घन की भुजा क्या है, 15, तो 15 का क्यूब बटे 3 का क्यूब, सही है। तो क्या हो जाएगा, 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 गुणा 5 गुणा 5, दिखाई दे रहा, दे रहा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125। तो छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 125, सही, कितनी हो जाएगी, इधर देख लो, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। तो सभी छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म, क्वेश्चन नंबर 19। से क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, देखें क्या है। 3 की घात 1989 3 की घात 1989 में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल, सही है, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, सही है, कह रहे हैं 3 की घात 1989 में 7 से भाग दिया है। देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, x घात n में x माइनस 1 से भाग दिया है, x माइनस x प्लस 1 से, यानी एक ज्यादा से या एक कम से भाग दिया है। यहां तो बहुत का अंतर, ये 3 और ये 7, 4 का अंतर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, दी गई संख्या कैसी है, भाज्य या अभाज्य, सही, कैसी अभाज्य। अगर अभाज्य संख्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का 2 cent निकालेंगे। 2 cent क्या होता है, देखो 2 cent निकलेगा कैसे, अभाज्य संख्या माइनस का 1 बराबर 6, ये 2 cent आ गया। 2 cent चीज क्या होती है, 2 cent क्या होता है, चक्री क्रम होता है, क्या होता है बेटा, चक्री क्रम। 2 cent निकालते क्यों है, 2 cent हम निकालते हैं किसी भी संख्या की घात को छोटा करने के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 cent निकाला, 2 cent आ गया हमारा 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 की घात 1989, तो इस 2 cent का हम क्या करेंगे, इस घात में भाग देंगे। 1989 में हमने 6 का भाग दिया, 6 तिया 18 और 6 एकम 6, सही है, शेष कितना आ गया, 3 शेष आ गया, सही, कितना शेष आ गया, 3। अब ये जो 3 शेष आया है, सही, कितना शेष आ गया, 3, इसे क्या करते हैं, संख्या की घात छोटी करने के लिए किया था, तो संख्या की घात छोटी की है, तो अब संख्या की घात क्या हो जाएगी, 3 की घात 3 हो जाएगा। अब संख्या की घात छोटी होकर क्या हो जाएगा बेटा, 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 3 9 9 27, क्या आ गया हमारे पास, 27 आ गया। अब इस 27 में कितने से भाग देना है, इस 27 में 7 से भाग देना है, तो लो भैया 27 में 7 का भाग दे दो, 7 तिया 21, कितना शेषफल आ गया, 6, सही है, कितना शेष आ गया, 6 शेष आ गया, आया आंसर समझ में। तो क्या हो जाएगा, अगर 3 की घात 1989 में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमने देखा अंतर एक से ज़्यादा है या एक से कम है, तो क्या करेंगे, दी गई संख्या का 2 cent निकालेंगे। 2 cent क्या होता है, किसी भी संख्या का चक्री क्रम होता है, यानी इतने कदम बाद यही चीज वापस लौट के आ जाएगी। 2 cent हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, सही है। 2 cent का करते क्या है, 2 cent को दी गई संख्या की घात में भाग देते हैं, संख्या की घात को छोटा करते हैं, 2 cent से क्या करते हैं, संख्या की घात को छोटा करते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। क्वेश्चन नंबर 19, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कितना करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो,
देखें क्वेश्चन नंबर 20। एक सम बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 2160 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। सही है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखो बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछी है बेटा, ठीक, बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछी है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? फॉर्मूला होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर, सही है, अंतःकोणों का योग बराबर, सही है, ठीक होता है n माइनस टू इंटू 180 अंश, सही है। n क्या होती है? भुजा होती है, सही। n क्या होता है? भुजा, जहाँ n क्या होगा? भुजा होगा। तो देखो n माइनस टू इंटू 180 बराबर दिया 2160, सही है, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 × 1 = 18 कितने बचे? 3, सही, 18 × 2 = 36, सही, 18 × 1 = 18 कितना बचा? 1, 18 × 2 = 36, तो n माइनस टू बराबर का 12, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सही, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 12 + 2 = 14, सही है, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 14 हो जाएगी, सही है, कुल भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 14। आया समझ में? सीधा सीधा फॉर्मूला होता है अंतःकोणों का योग बराबर n माइनस टू इंटू 180, सही है, तो n माइनस टू इंटू 180 बराबर 2160, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 14। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सही है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्या कह रहा है देखें, दिए गए चित्र में एक्स का मान दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करें, सही है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है, बट कर ही देते हैं, हमारा क्या है, रीजनिंग का भी कर देंगे, पेपर में आया तो करना तो है ही, नहीं आता तो नहीं करते।
देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए रीजनिंग का, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बीच वाला अंक होता है ये इन चारों से किस प्रकार संबंधित है, बचे हुए से, इससे 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 और इससे। सही है, देखो मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभार क्या होता है, इन दोनों को गुणा करते हैं तभी आता है, इन दोनों को गुणा करते हैं तभी आता है। कभी कभार इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, जब इनका अंतर करते हैं तभी ये संख्या आती है। तो इस टाइप से हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कब ये संख्या आ सकती है, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हमेशा बाकी वाली संख्याओं से बीच वाली संख्या लानी होती है। तो देखो कैसे आएगी, चार और तीन सात, छः और एक सात, यानी इसे जोड़ा चार और तीन को सात आ गया, छः और एक को जोड़ा सात आ गया, तीन और दो को जोड़ोगे क्या आ जाएगा पाँच, चार और एक को जोड़ोगे क्या आ जाएगा पाँच, आठ और सात को जोड़ोगे क्या आ जाएगा पंद्रह, नौ छः जोड़ोगे क्या आ जाएगा पंद्रह, छः और पाँच जोड़ोगे क्या आ जाएगा ग्यारह, सात और सात जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा ग्यारह। तो एक्स और क्या आ जाएगा बेटा ग्यारह आ जाएगा, सही, एक्स और क्या आ जाएगा ग्यारह। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल क्या है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत ही हो जाएगा। सही है, आया समझ में, कितने क्वेश्चन हो गए, 21 क्वेश्चन हो गए, सही, कितने हो गए 21। ठीक, एक और करते हैं, चलो तो अच्छा अब नहीं करते, बहुत लंबी क्लास हो गई, डेढ़ घंटे ही लगभग क्लास हो गई है, ये हमारे 21 क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखो 21 हो गए, कितने बचे, 9 बचे, कितने बचे 9, इस टॉपिक के 9 क्वेश्चन और सन 2019 के 15 क्वेश्चन, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 24 क्वेश्चन हो गए। अगली क्लास जब ही खत्म करेंगे, जब ये पूरे के पूरे 24 क्वेश्चन हो जाएंगे, सन 2019 के 15 क्वेश्चन और सन 2018 के 9 क्वेश्चन, जैसे ही दोनों के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे हम अपनी क्लास रोक देंगे, चाहे डेढ़ घंटे से ऊपर जाए, चाहे डेढ़ घंटे से नीचे जाए, और फिर उसके बाद सन 2017 का पेपर स्टार्ट करेंगे, 17 के बाद 16 14, केवल अब तक 7 या 8 पेपर हुए हैं, 7 या 8 पेपर 28 तारीख तक सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही छुट्टी दर छुट्टी, जरूरी कंटिन्यू करें, आज और कल की छुट्टी तो आज कल तो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद देखते हैं। सही है, सभी लोग वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और लाइक जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे हमारा मनोबल उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और हम उतना ज़्यादा कंटेंट अच्छा लाएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। सही है, सभी लोग दिवाली अच्छे से मनाई है, और आज भी अच्छे से मनाना, पटाखे संभाल के चलाना। सही है बेटा, कल मिलते हैं इससे आगे।